नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हम देखिए, मैंने गाजर को छील कर उसको कुकर में 2 सीटी लगा कर उबाल लिया है। देखिए आप, अब ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम इसको फिर से गैस पर रख के पकाएंगे। चलिए गाजर का हलवा बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने गाजर को, लाल गाजर लेके धो के उसको बारीक बारीक काट कर, मतलब कस कर घिया कस में, और उसको कुकर में उबाला। उबालने के बाद 2 सीटी लगाई मैंने कुकर में और अब मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम दोबारा से इसको पकाएंगे अच्छे से। देखिए गैस चालू है हमारी। अब हमने गाजर का हलवा चला दिया गैस पर और अब हम इसको, मैंने जो सीटी लगाई थी 2 सीटी, हमारी गाजर जो है देखिए आप बिल्कुल गल चुकी है। और अब हम इसको इसमें बस ड्राई फ्रूट डालकर और इसको पकाएंगे अभी। ये देखिए, ये मेरे पास घी है, देसी घी। सबसे पहले मैं इसको डाल दूंगी हलवे में, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देंगे, काफ़ी जम गया है अभी, तो मैंने ये घी इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट डालूंगी। देखते हैं आप, ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, ये ड्राई फ्रूट डाल दिया है मैंने इसमें। देखिए अभी हलवा पक रहा है, ये पक चुका है। इसमें सारा पानी हमने इसका सोख लिया है, ठीक है ना। इसमें हमने दूध भी डाल दिया था, जब हमने कुकर में इसको बॉईल करा था तो हमने इसमें दूध और चीनी डाल दी थी, इसलिए हम इसमें अब दूध और चीनी नहीं डालेंगे। सिर्फ हमें इसे पकाना है जब तक इसका पानी सारा सूख नहीं जाता। आप देखिए इसका पानी अब सारा सूख चुका है। ये मेरे पास कुछ खोया है, जिसे हम मावा भी बोलते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा मावा अपने हलवे में डाल देंगे, इस तरीके से मावा डालेंगे। ड्राई फ्रूट हम पहले ही डाल चुके हैं इसमें, अब हम इसमें मावा डाल देंगे। और बस सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा हलवा लगता है, आपने देखा होगा सर्दियों में जब रजाई में बैठ के हलवा खाते हैं तो कितना मज़ा आता है। हलवा अपने आप में एक बहुत ही अच्छी स्वीट डिश है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए हमारा हलवा कितना बढ़िया बना है, देख सकते हैं आप। अगर कढ़ाई में इतना अच्छा लग रहा है तो आप सोचिए खाने में कितना अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा है, ट्राई कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स मुझे लिखिए। थैंक यू।